हेलो रन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। तो दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका वैल्यू कितना होगा, क्लियर है। तो पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो क्या एक्सप्रेशन दिए गए हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। ये एक्सप्रेशन हमको दिए गए हैं, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं 63, 27, 70 डिग्री और 73 डिग्री, जो भी एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं, उस एंगल्स के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। केवल कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता होता है, जो कि 0 है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 है, क्लियर है। तो इन सारे एंगल्स के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नहीं पता है। तो फिर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज हो जाए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करने के लिए पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स ढूंढते हैं कि क्या यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 63 और 27 को ऐड जब करते हैं तो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हुआ। जस्ट वैसे ही 17 डिग्री और 73 डिग्री को भी ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट भी यूज करना होगा और साथ में यहाँ पर आइडेंटिटी का भी यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आइडेंटिटीज में ही आता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट का यूज होगा। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि जहां भी हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स दिखे, ठीक है ना, जहां भी हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स दिखे और उसको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, तो कैसे करते हैं उसको सॉल्व। तो उस पेयर में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के टर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं 63 और 27, तो इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह एंगल सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 63 है तो सोचते हैं कि यहाँ भी 63 हो जाए, या फिर यहाँ पे 27 है तो यहाँ भी सोचते हैं कि 27 हो जाए। एंगल सेम जब हो जाएगा तो वहां से आइडेंटिटीज यूज होने लगते हैं, क्लियर है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, तो साइन स्क्वायर हम 63 डिग्री को मान लो 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो 27 को भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 63 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। तो 63 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिए, जहां पर थीटा की जगह पर क्या है, 27 डिग्री, क्लियर है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 27, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, किसी एक एंगल को चेंज करना था, हम इसको कर चुके हैं, क्लियर है। डिवाइड अपॉन, जस्ट उसी तरह इन दोनों में से भी किसी एक एंगल को चेंज करेंगे, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं, मतलब इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इस एंगल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, अब 73 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्लियर है। चलो, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब चैप्टर पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, उसमें पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, थीटा कितना है 27, तो 27 डिग्री प्लस इसको एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, डिवाइड अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको एज इट इज लिख दिए। प्लस ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्म का है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, थीटा कितना है यहाँ पे 17 डिग्री, क्लियर है। यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कि दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्लियर है। चलो, अब ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल्स तो सेम है, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, तो ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म का है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जस्ट वैसे ही यहाँ भी अगर नीचे भी एक्सप्रेशन देखें तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म का है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा, यही मेरा क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा 1, ठीक है। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी का यूज किया उसको भी लिख देंगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो वो चीज़ यूज की है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, उसके बाद हम 2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका देखते हैं पार्ट सेकंड, यानी क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री
प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मतलब फाइंड करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं 25 डिग्री और 65 डिग्री, इन दोनों एंगल्स के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नहीं पता है, तो फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक करेंगे, तो पहले क्या करेंगे कि जो भी एंगल्स दिए गए हैं उसको ऐड करके चेक करेंगे कि 90 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे 25 डिग्री है और यहाँ पे 65 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। यहाँ भी 25 और 65 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल आएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों के पेयर में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। या तो 25 डिग्री को लिखना होगा या फिर 65 को, जो भी मन करे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 25 डिग्री, मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस, अब 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस जस्ट वैसे ही इन दोनों में से भी किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लो हम कॉस 25 को छोड़ देते हैं और साइन 65 डिग्री को लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। किसी भी एंगल्स को आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कितना है 25 डिग्री, प्लस यहाँ भी कॉस 25 डिग्री इंटू यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा कितना है 25 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। चलो तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगह एंगल सेम है, यहाँ भी 25 डिग्री है, यहाँ भी 25 डिग्री है, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म का है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख रहे हैं, 1, यही मेरा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट का आंसर कितना आया, 1 आया, यानी कि इस भी एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, क्लियर है। चलो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।